कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय बाजार में भी कोरोना की सबसे सस्ती दवा लॉन्च हो गई है। हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की अब तक की सबसे सस्ती दवा लॉन्च की है। कंपनी ने इसे फेविलो नाम दिया है, जिसमें फेविपिराविर ड्रग्स का डोज है। आपको बता दें, कंपनी ने 200 mg फेविपिराविर की एक दवा की कीमत 33 रुपए रखी है। कंपनी ने बताया कि फेविलो दवा से हल्के और मध्यम वर्ग वाले मरीजों का इलाज आसानी से किया जाएगा। MSN ग्रुप कंपनी ने बताया कि जल्द ही बाजार में 400 mg फेविपिराविर दवा को भी लॉन्च किया जाएगा। ग्रुप के CMD डॉक्टर MMN रेड्डी ने दावा किया है कि ये नई दवा कोरोना वायरस की सबसे प्रभावशाली और किफायती दवा होगी। CMD रेड्डी ने कहा कि उनकी कंपनी दवा की गुणवत्ता के साथ उसे लोगों को उपलब्ध कराने में विश्वास करती है। बता दें कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया फेविपिराविर दवा को मंजूरी दे चुका है। कंपनी ने फेविलो में वही डोज तय किया है जो फेविफ्लू में किया था। कंपनी ने बताया कि मरीज को 14 दिन में 122 दवा देनी है। पहले दिन 18 टेबलेट लेनी है और उसके बाद हर दिन 8 टेबलेट लेनी होगी। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। दरअसल भारत बायोटेक ICMR की ओर से बनाई जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। इस वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक 6 कंपनियां हैं जो कोरोना की सस्ती दवा पेश कर चुकी हैं। इनमें MSN ग्रुप, जेनवर्क्ट फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला, हेट्रोलैब और ब्रिंटन फार्मा शामिल हैं।